महाभारत काल के प्रसिद्ध नगरी कुरुक्षेत्र में एक अनोखा मंदिर है जहां प्रसाद में सोने और मिट्टी का घोड़ा चढ़ाया जाता है। ये मंदिर है मां भद्रकाली मंदिर। आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने मां भद्रकाली मंदिर में बैठ करके पूजा अर्चना की थी और मन्नत पूरी होने पर अपने घोड़े अर्पित करने की बात कही थी। कुरुक्षेत्र का शक्ति पीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर अनोखा है और ये अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर में आपको हर तरफ मिट्टी के घोड़े नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ प्रसाद के तौर पर सोने, चांदी और मिट्टी के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं। ये मान्यता सदियों पुरानी है। माँ के मंदिर में जैसे युद्ध के घोड़े दान किए गए थे जीवित, उसी परंपरा को निभाते हुए लोग मनोकामना करते हैं और जिसकी जैसी क्षमता है श्रद्धा अनुसार मिट्टी के, चांदी के, किसी भी प्रकार के, सोने के, लकड़ी के, अनेक प्रकार के घोड़े यहाँ प्रतीकात्मक रूप से माँ की सेवा में अर्पण करते हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने मां भद्रकाली मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना की थी और मन्नत पूरी होने पर अपने घोड़े अर्पित करने की बात कही थी। युद्ध में जीत के बाद पांडवों ने अपने घोड़ों की सबसे सुंदर जोड़ी को मां भद्रकाली के चरणों में अर्पित किया था। मंदिर से जुड़े लोगों के मुताबिक यहाँ बने कुंड पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी हुआ था। शक्ति पीठ पर अगर आपकी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना लेकर आप मंदिर में आए और वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो यहाँ पर प्रसाद के अलावा घोड़े चढ़ाने की एक परंपरा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के साथ मिलकर अपने घोड़े यहाँ पर दान किए थे और उसी समय से एक प्रथा चली है। वक्त के साथ साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की भावना तो नहीं बदली, लेकिन अंदाज जरूर बदल गया। इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर किसी समय में असली घोड़े चढ़ते थे, फिर समय के अनुसार समय बदलता गया, अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार मन्नत पूरी होने पर कोई सोने के, कोई चांदी के और आम समाज के लोग अपनी सामर्थ्यानुसार मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर तमाम राजनेता मंदिर में घोड़े चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं।